दोस्तों आप भी घर बैठे ऐसे पिंग पोंग बॉल हाथों से बना सकते हैं और वो भी सामान आपके घर में आपको पड़ा हुआ ही मिल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आप किस तरह से ऐसे पिंग पोंग बॉल को घर पर बैठ के बना सकते हैं। और इस बॉल को बनाकर हमने बचपन की यादों को फिर से ताजा करते हैं। पिंग पोंग बॉल को बनाने के सबसे आपको एक डॉलर शैम्पू को लेकर अच्छे तरह से काट कर उसे एक बाटी में डाल लेना है। दूसरे स्टेप में आपको ग्लू को लेकर इस शैम्पू में अच्छी तरह से मिला देना है और फिर 10 मिनट तक लगातार अच्छी तरह से मिलाते रहना है। जब तक हम शैम्पू और ग्लू को आपस में मिला हमारे वीडियो की एक प्यारा सा लाइक या चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट सेक्शन बताना है आपने बचपन में पिंग पोंग बॉल से खेला या नहीं खेला और इसका अच्छी तरह के मिश्रण होने के बाद इसे एक डब्बे में डाल लें और होली वाले किसी भी छोटे से बलून को लेकर इसमें अच्छी तरह से फिल कर दें और फिर क्या आपका बचपन का याद फिर से बनकर ताजा हो गया और ये भी उसी पिंग पोंग की तरह अच्छी तरह से जंप और काम भी करेगी।